स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गेल्ला एंड यू आर वाचिंग नितेश गेल्ला ब्लॉग। जो कि घर का काम हमने हल्का फुल्का निपटा दिया है, गाय भैंसों को पानी पिला दिया है। अब जो है कि हमको बस खाना बनाने के लिए आना है, तब तक मैं मार्केट चलता हूँ। क्योंकि हमने जो है कि जब से मैंने बाइक धोई है, बाइक वॉश की है, उसके बाद हमने बाइक एक दिन भी नहीं चलाई। अभी एक हफ्ते धोने को आया है तो उस दिन से बाइक खड़ी हुई है। कल थोड़ा निकाली थी लेकिन तब तक जो कि बारिश हो गई, फिर मैंने जो है कि पार्क कर दी। अभी चैन ल्यूब भी करनी है, चैन ल्यूब मेरे पास पड़ी हुई है क्योंकि चैन बहुत खतरनाक सूखी हुई है। तो चलते हैं चैन ल्यूब करते हैं, थोड़ा बाइक से रिलेटेड भी कुछ बात करनी है, वो आपसे करते हैं। छुट्टी हुई? छुट्टी हो गई। क्यों हुई छुट्टी? हमारे हमारे गुरुजी का डैडी मर गया। अरे रावत गुरुजी का, तभी हमारी जल्दी छुट्टी हो गई। तो स्कूल वालों की भी छुट्टी हो गई, जो टीचर है उनके शायद पिताजी की डेथ हो गई है तो छुट्टी हो गई स्कूल की। अभी बच्चे जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अभी टाइम 9:30 हो रहा है, हमारे लिए गर्मी हो रही है, पहले क्रिकेट खेलने जा रहे हैं वहीं से। तो अपना अपना सो गए। हम जब बचपन में छोटे होते थे तो इसी टाइम पे हम जो है कि हम गजेरे में नहाने जाते थे। ऊपर एक गजेरा है, वहाँ पर जाते नहाने के लिए। अभी तो कौन जा रहा है, लेकिन हम जाते थे, काफ़ी मज़ा आता था। और चलते हैं, थोड़ा बाइक से रिलेटेड आपसे बात करनी है, वो भी कर लेते हैं। काफ़ी टाइम तो सो जाता मैं, आज करूँगा कल करूँगा, आज फाइनली मौका मिल गया तो आज चलते हैं और आपसे बात करते हैं। अभी 10:00 बज रहे हैं, चैन हमने ल्यूब कर दिए, आपने देख ली होगी। तो अभी आए हम मजोसी, घर से जो है कि 3 किलोमीटर दूर, और काफ़ी दिनों बाद हम जो है कि मजोसी में आए हैं। आज जो है कि डेली शाम को आते हैं, लेकिन आजकल जो है स्किप हो रहा है, रास्ते के आते हैं वही पैदल आते हैं मजोसी। तो हम जब भी आते हैं बाइक ही में आते हैं, तो आज हमको टाइम मिला क्योंकि शाम को हमको टाइम नहीं मिल पाता है। शाम को सारे दोस्त रहते हैं तो सब पैदल चलते हैं, तो बाइक लेना एक अकेला आदमी का सही नहीं रहता है कि बाइक लेके चले। तो बाइक भी चला दी हमने, चैन ल्यूब भी कर दिए। तो मैं आपसे बोल रहा था कि हमारी बाइक को लिए जो कि 3-4 महीने हो गए, और आप लोग भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बना लिया होगा बाइक के साथ। तो हम वो ये बोल रहे थे बाइक का जो है कि नामकरण होना चाहिए, और ये नामकरण मैं नहीं करूँगा, नामकरण जो है कि आप लोग करेंगे। आप कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके, जो भी आपको अच्छा लगे एक्सपोजर के हिसाब से। अब ज़्यादा भारी भरकम नाम भी नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का नाम इसको जो कि जस्टिफाई कर सके नाम एक्सपोजर को। थोड़ा ऑफ रोडिंग बाइक है, थोड़ा जो है कि कम्फर्टेबल है, मतलब कम्फर्टेबल बाइक है, थोड़ा एडवेंचर है, ऑफ रोडिंग बाइक है। तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से जो है कि बाइक को नाम दे सकते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे नाम मत लिखना जैसे हो गया धन्नो हो गया बसंती हो गया, कुछ अच्छा सा नाम लिखना जो बाइक को सूट करे, जैसे कोई मूवी का कैरेक्टर हो, मतलब जो अच्छा कैरेक्टर हो, परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी हो, तो ऐसा आप नाम सोच सकते हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं। उसका मतलब भी बता देना पीछे से, और या मूवी का नाम बता देना जिसमें कुछ कैरेक्टर हो। ये पहले ही पूछा था मैंने, लेकिन मैंने चैनल के लिए पूछा था कि चैनल का क्या नाम रखा जाए, तो चैनल का नाम तो मेरे को आया नहीं कि चेंज करूं मैं, लेकिन बाइक का नाम जो है कि कुछ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम एक्सपोज बुलाते रहते हैं। तो ये हमारी एक्सपोज 200 है, तो इसके लिए जो है कि आप नाम सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी मेरे को नाम अच्छा लगेगा वो मैं रख लूँगा, और मैं बता दूँगा किसने जो कि नाम सजेस्ट किया हो, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। कोई भी नाम हो, ये इंग्लिश उर्दू पंजाबी तेलुगु कुछ भी चलेगा, बाहर के नाम भी चलेंगे, लेकिन उसका कुछ मीनिंग आना चाहिए, कुछ मतलब मीनिंगफुल हो तो अच्छा लगेगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप देख लेना, जो भी आपके सोचा हुआ हो तो नाम हम रख लेंगे इसके लिए। तो ये आप कमेंट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए, सब चीज़ हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, कुछ आपकी तरफ से भी हो। हम बाइक का नाम लें तब एक अटैचमेंट मड़ी रहे आपके साथ और हमारे साथ, मजे कि हमारे सब्सक्राइबर ने नाम दिया हुआ है हमारी बाइक को, तो वो लगता है ना फीलिंग आती रहती है, फिर इधर उधर से ट्रांसफ़र होती रहती है कि यार हमारे सब्सक्राइबर ने हमारी बाइक के लिए नाम दिया है। तो आप कमेंट कीजिए, हम नाम रख लेंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, अभी घर की ओर निकलते हैं।
बस ऐसे घूमने आए थे, बहुत टाइम हो गया था यहाँ से घूमने नहीं आए। अभी चलते घर में, फिर वही डेली का काम जो है कि खाना बनाना है। मम्मी लोग जो है जंगल में, सिस्टर जो है कि स्कूल में है, और इसकी छुट्टी हो गई है क्योंकि इसके टीचर के जो पापा हैं उनकी डेथ हो गई है, तो ये मेरे साथ आ गया है। ये नीचे रहा सोनप्याग मार्केट पूरा, यहाँ पे सोनप्याग वाइड एंगल है, आपको दिख नहीं रहा होगा, फ़ोन में लेके नहीं आया। तो ये नीचे पूरा सोनप्याग मार्केट, और ये आपने गाँव की रोड, त्रिवेणी की रोड, और जो लोगों हमने उसमें चिपकाया था उसके बाद आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ठीक ही है, काम चलाओ है, थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो लोगो है उसना हैंडमेड है, हाथ से काटा हुआ है, कंप्यूटर से नहीं काटा क्योंकि उसको जो है कि वो डाउनलोड करना नहीं आया, तो हम ज़्यादा होशियार नहीं बन सकते वहाँ पे। मैंने बोला छोड़ो हाथ से काटो, यार से काटा हुआ है, ठीक ही लग रहा है, उतना भद्दा भी नहीं है, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा जो कि बड़ा हो गया, अभी जब भी जाएंगे चेंज करवा लेंगे, उतना भी बेकार नहीं है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत बकवास हो गई, 4.5 मिनट की बकवास हो गई। इसके चक्कर में मेरा चप्पल रह गया, चप्पल जल जाइए फर के आवाज। फर की ना वाला ये मुझे डाल थोड़ा मुझे इसके चक्कर में चप्पल बह गया, क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ पता इधर रेस ज़्यादा की रेस कम की, और मैं इसको पकड़ने के चक्कर में था, मेरा पकड़ा हुआ था तो मेरा चप्पल फिसल गया। मैंने कहा चप्पल तो बाद में भी आ जाएगा, पहले इसको पकड़ते हैं, बाइक गिर जाएगी तो ज़्यादा फटका पड़ेगा, तो मैंने इसको पकड़ा लेकिन इस मेरा चप्पल बह गया था, मैं चप्पल के लिए गया था नीचे, इसको बोला रेस कम कर, रेस कम की इसने और बढ़ा दी, तो मैं इसके पीछे दौड़ा तो मेरा चप्पल जो छूट गया, हमें सोचा रुक जाएगा चप्पल, लेकिन तब तो चप्पल नीचे साला। तो 100 रुपये, तो 100 रुपये की ये भी लगती है अभी इसके चक्कर में। यहाँ पे जुड़ा चप्पल यहाँ पे, और यहाँ से गया सीधा नीचे, यहाँ से बहते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरे को ये ख्याल भी नहीं आया कि चप्पल बह जाएगा, क्योंकि मेरे को बाइक संभालनी थी, नहीं ये गिरा, अगर मैं छोड़ देता तो ये गिरा देता, अगर मैं यहाँ नहीं पाई फर्क उठे हम बाइक फर्क उठ रहा। तो अभी शाम के बज रहे 5, खाना खुना हमने खा दिया है, और आज का जो खाना बना हुआ था तो उसके बारे में क्या ही कहना, कद्दू का साग बना था, इसको भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे खरबूजा, और उसके साथ थी छांस, वो भी गाड़ी वाली छांस थी, पतली छांस नहीं थी, गाड़ी वाली छांस थी, और उसके साथ था रायता। अभी हमारी ककड़ी लगी नहीं है, जिस दिन हमारी ककड़ी लगी मैं आपको बताऊंगा कि ककड़ी जो पहाड़ी ककड़ी रहती है, पहाड़ी का खीरा रहता है वो कैसा रहता है। गोलू के यहाँ पे रायता बना हुआ था तो गोलू ने दिया, उसके साथ जो मज़ा आया खाने का ओहो पूछो मत, मैं आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो आपके मुँह में पानी आ जाता, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, मैंने कहा फालतू आपके मुँह में पानी आ जाएगा तो क्या दिखाना, लेकिन कभी टाइम मिलेगा अगर फुर्सत से सिनेमेटिक दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ये जो खाना ओहो क्या डिलीशियस खाना था। तो अभी तक पेट जो कि यहाँ तक भरा हुआ है, ज़्यादा हो गया थोड़ा, कितना स्वादिष्ट बना हुआ था, तो खाने में कोई वो नहीं, कमी नहीं करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए अभी भी खा रही है यहाँ पे ऊपर पे, ये बासी बात खा रही है अभी, और हम खाते हैं सेब और निकलते हैं मार्केट की ओर, गोप्रो नहीं लेके जाएंगे बारिश होने को आई है, गोप्रो छोड़ के हम घर में फ़ोन लेके जाते हैं, फ़ोन से रिकॉर्ड हो जाएगा और सेब का मज़ा लेते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतने रखते हैं, अभी आया हूँ मैं, आपको यार लाल दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पसीना आना स्टार्ट हो गया है, अभी मैं छांस करके आया हूँ, छांस मैंने कंप्लीट कर दिया है, मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प की थी, और मार्केट गए थे हम, जैसे कि मैंने बताया कि बारिश हो रही है, घर आते टाइम जो है कि बारिश में भीगे, जो कि हमारा डेली क्या है भीगना होता ही हमको, अभी चेंज भी कर लिया हमें। आप लोग कमेंट जरूर करें अपने थॉट बाइक के बारे में, क्या नाम हमको रखना चाहिए, अब अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो आज के ब्लॉग के बस इतना रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में।